सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड, अमीना बुटीक में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 49 और 50 49 50 साइज, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि तीरा आर्मोल और आर्मोल लेंथ, बाजू आर्मोल लेंथ कितनी रखनी है, ये आपको 1 से 10 इंच डीप तक कितना आपका तीरा रखना है, ये सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। और ये हमारी इसके ऊपर लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा कि जो मैं आपको बताता हूँ आप किस हिसाब से काटेंगे, एक कमीज वो दिखाऊंगा, उसके बाद हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर कोई भी नया मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है और अच्छी तरह कोई बिगिनर भी अगर आता है तो मैं उससे कहूँगा कि वो शुरू से मेरी वीडियो को वॉच करें, सबसे पहले मेरी मेजरमेंट वाली वीडियो वॉच करें, क्योंकि मेरी मेजरमेंट की वीडियो जब वॉच करेंगे तब उनको पता चलेगा कि मैं क्या नाप ले रहा हूँ, कितनी लूजिंग कहाँ पर देता हूँ, कौन सी जगह प्लेट की है, कौन सी कमर की है। तो ये चीज़ आप देखेंगे तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये वीडियो को पूरी आप ज़रूर देखें और जो भी चीज़ मैं आपको बताऊँ इसे नोट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा है 49 और 50 नाप। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ये 49 और 50 नाप जो है हमारा, ये हमारा बॉडी का नाप जो हम लेते हैं, उसमें लूजिंग डालने के बाद जो तैयार नाप आता है, अगर हमारा 49 और 50 नाप तैयार आता है तो इसके ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप, ठीक है। इसको सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो निशान लगा रखे हैं क्या चीज़ है, ठीक है। ये वाला जो निशान है हमारा, ये ऊपर की एक लंबाई लेते हैं हम इससे, ठीक है, ये लंबाई लेते हैं। ये जो कोने वाला हिस्सा होता है इसे हम तीरा कहते हैं, ये हमारा डबल फोल्ड होता है कपड़ा, ठीक है, इसे हम तीरा कहते हैं। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम आर्मोल लेंथ कहते हैं, ठीक है, इस तरफ से आर्मोल लेंथ कहते हैं। और यहाँ से जब हम नापेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है जहाँ से हमारा ये एक निशान जा रहा है, तो इसे हम फ्रंट कहते हैं, इसे हम तख्ती भी कहते हैं, ठीक है। इसके नीचे जो नाप आ रहा है ये वाला हमारा, इसे कहते हैं प्लेट लेंथ, कि आप प्लेट कहाँ पर डालेंगे, ठीक है। इसके नीचे है ये कमर का नाप हो गया आपका, इसके नीचे वाला हिप का नाप हो गया, इसके नीचे आप लंबाई रख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा नाप हो गया। लेकिन तीरा और फ्रंट आर्मोल लेंथ में आपको ये प्लेट लेंथ से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये मैंने सिर्फ एक डेमो के लिए है। अगर ये चीज़ आपको समझनी है तो मेरी मेजरमेंट वाली वीडियो को ज़रूर वॉच करें, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 1 से 4 तक आप कितना मुड्ढा रखेंगे तो आपका ये ओके बैठेगा। तो अगर आपका बैक गला 1 से 4 इंच है, हम आगे सब में 7 इंच गला लेंगे इसमें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 8 पहनते हैं कितना पहनते हैं। ब्रॉड हम 3 इंच लेंगे, ठीक है, और ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 8 इंच भी ब्रॉड पहन सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन तीरा आप जो मैं बता रहा हूँ वही रखेंगे तो ये बिल्कुल ओके बैठेगा, ठीक है। 1 से 4 इंच तक अगर हम बैक गला रखते हैं तो उसका जो तीरा बैठेगा वो बैठेगा 16.5 या 17 इंच, आप नाप लें जिसका वैसे ये बैठता है, नापने की ज़रूरत भी नहीं, अगर इस पर भी बना देंगे तो ओके बैठ जाएगा। तो यहाँ का जो फ्रंट होगा, अब जैसे हमारा ये 17 इंच तीरा है तो फ्रंट हमारा आएगा 7.5 इंच, इसमें फ्रंट हमारा 7.5 आएगा। सबसे पहले हम तीरे के ऊपर आते हैं, तो हम तीरा यहाँ से लेंगे, 17 है जैसे मान लें, सपोज करें 17 ले लिया हमने, तो हम 17 के बाद यहाँ पर हम 17 निशान लगा लिया, हम थोड़ा मार्जिन देंगे बाजू के लिए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम आर्मो लेंथ पे आते हैं, कमीज आर्मो लेंथ कहते हैं हम इसको, ये आर्मो लेंथ पे आते हैं, हम आर्मो लेंथ लगाएंगे यहाँ पे 8 इंच, 1 से 4 इंच गले के डीप का बता रहा हूँ मैं आपको। ये आप 17 इंच रखने के बाद आधा इंच मार्जिन के लिए रख लें, यहाँ से जो लेंथ लेंगे वो 8 इंच पे रख लें। 8 इंच के बाद यहाँ से जो फ्रंट लगाएंगे वो आप रखेंगे 7.5 या 7.5 में, फिर उसके बाद आप ये इस हिसाब से एक सेव दे दें, ठीक है। फिर ये जो ब्लैक हिस्सा जा रहा है ना, इस हिसाब से आप एक सेव दे दें जो अच्छी आपको लगे कि ये बहुत बढ़िया सेफ है। जब इस हिसाब से आप सेफ दे देंगे तो यहाँ से जहाँ तक आप ब्रॉड रखेंगे यहाँ से आप कंधी को आधा इंच डाउन कर दें, ऐसे करके ये जब कंधी डाउन कर देंगे तो ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा कट जाएगा। लेकिन आपको 1 से 4 तक में या मैं 1 से 10 तक आप कुछ भी साइज काटेंगे तो आपको बैक वाला पल्ला जो है आपको इस हिसाब से उठा के डालना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका इस हिसाब से आएगा, तो ये भी डाउन होगा आधा इंच के आसपास। तो ये 1 से 4 इंच तक मैंने आपको बताया है कि 17 इंच के अंदर 2-3 बातें दोबारा बताता हूँ, आप नोट कर लें। ऊपर से आप जो यहाँ से निशान लाएंगे ये वाला बैक पल्ले को नहीं लगाना, फ्रंट वाले पल्ले पे निशान लगाना है 8 इंच पे। फिर यहाँ से जो फ्रंट का निशान लगेगा वो लगेगा आपका 7.5 या 7.5 में, ठीक है। तीरा आपका आएगा 17 इंच, 17 इंच के बाद आप मार्जिन रखेंगे बाजू चढ़ाने के लिए, ठीक है, ये मार्जिन हो गया। उसके बाद आप सेव दे के काट दें, बैक को आधा इंच या 1.25 इंच उठा के काट दें, ये आपका ओके नाप बैठ जाएगा 1 से 4 इंच तक, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 5 से 6 इंच। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ भी ज़रूर नोट कर लें ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप भी समझ जाएँ। 5 से 10 इंच गले तक
हाँ इसमें हमारे दो गले ओल्ड चलते हैं, ज़्यादा हैवी होता है तो 11 इंच तक भी चलता है गला। तो 11 इंच तक भी एक ही गला नाप चलेगा हमारा, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 5 से 11 इंच डीप तक अगर आपका बैक गला है तो इसमें मैं आपको दो चार जो चीज़ें बताऊंगा वो आप नोट कर लें, ठीक है। मैं आपको ये बार बार रिवाइंड नहीं कराऊंगा। यहाँ से जो नाप लेंगे हम बैक वाले पल्ले को, नहीं फ्रंट वाले पल्ले को, यहाँ से जो नाप लेंगे आर्म और लेंथ, वो अब रहेगी 7.5 इंच। 5 से 11 इंच तक अब 7.5 ही नाप रहेगा ये, ठीक है। और यहाँ से जो हम नाप रखेंगे ये वाला तख्ती, तो ये हमारा अब आएगा 7 इंच, ये पूरे उसी के अंदर है, ठीक है। 5 से 11 इंच तक में, तो यहाँ से हमारा जो फ्रंट आएगा वो आएगा 7 इंच। अब हमारा तीरा कम होता रहेगा, तो तीरा कम कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अब हमारा अगर 5 से 6 इंच बैक गला है, आगे का हमारा 7 हो या 8 हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पहनते हो, तो हम इसका तीरा रखेंगे 7 इंच। और जो 7 इंच हम तीरा रखेंगे यहाँ पर, सिर्फ नाप पर 7 इंच रखना है, डबल में वो 14 हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर बाजू आर्मोल बाजू चढ़ाने का मार्जिन नहीं देना, क्योंकि वो उसी में एडजस्ट हो जाएगा। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान देना, 7 इंच पे निशान लगा के आप काट देंगे, 7 पे यहाँ निशान लगा के आप 7 पे यहाँ लगाएंगे, बिल्कुल बराबर से ऐसे मिलाएं और इसमें एक जो ये शेप दे रखी इस हिसाब से शेप दे दें, ओके आ जाएगा। अब आपका गला आता है 7 और 8, बैक गला फ्रंट का आपका 7 या 8 कुछ भी रहेगा, लेकिन बैक गला 7 से 8 है, तो आप रखेंगे उसका पौने 7 इंच। पौने 7 में आपका हल्का सा ये कम हो जाएगा, आप यहाँ से निशान लगाएंगे ऐसे, ठीक है, और फिर यहाँ से गोलाई दे देंगे, इस हिसाब से हो जाएगा ये आपका। तो ये 7 से 8 है, आपके आर्म और लेंथ भी 7.5 रहेगी, फ्रंट भी आपका इसमें 7 इंच रहेगा, और बैक आपको इसमें सब में उठा के ही काटनी है 1.25 इंच। ये हैवी साइज़ है, इसमें बैक हमेशा उठा के ही काटनी है। अब आपका बैक गला आता है 9 से 10 इंच, तो 9 से 10 इंच जब आपका गला आएगा तो हम यहाँ पे 6.5 इंच तीरा रखेंगे, वो थोड़ा कम और हो जाएगा, इस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। आपकी आर्म और लेंथ भी वही रहेगी, फ्रंट भी आपका वही रहेगा, यहाँ से आप ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ से ऐसे गोलाई कर देंगे। आपका 11 इंच में भी सेम ही रहेगा, 11 इंच में भी आप सेम काट देंगे, क्योंकि हैवी साइज़ है, ज़्यादा कम काटेंगे तो फंसेगा, उनको दिक्कत होगी। और बैक पल्ला ही उठा के ज़रूर काटें, 0.5 इंच 1.25 इंच उठा के ज़रूर काटेंगे, और ब्रॉड आपको जितना पहनना है उतना पहन ले, ठीक है। ये है हमारा 49 और 50 का नाप, जो 1 से 10 11 तक मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम इसके बाजू के आर्मोल की, बाजू के आर्मोल लेंथ कितनी रहेगी और इसका मुंडा कितना तैयार बैठेगा। तो ये आपका फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से नापते हैं, हर वीडियो में बताता हूँ मैं आपको। 3.5 इंच में आप यहाँ पे निशान लगा लें, यहाँ से जो निशान लगाएंगे यहाँ तक हम, ठीक है, उसके ऊपर जो बाजू होगी वो आप तैयार रख सकते हैं, चाहे आप 16 इंच पहने, 5 इंच पहने, 7 इंच पहने, 8 इंच पहने, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो नाप होगा वो 3.5 होगा। 3.5 के बाद जो हम निशान लगाएंगे, एक ये निशान लगाने के बाद ये जो आएगा इसे हम कहते हैं तैयार आर्मोल। तो यहाँ से 49 और 50 में तैयार आर्मोल आपका रहेगा 10 इंच। ये आप 10 इंच में आर्मोल का निशान यहाँ पे लगा लें और इसको कट कर दें, तो इसमें आपको कुछ नहीं नापना, ये आपका ऑटोमेटिक उसके अंदर फिक्स बैठ जाएगा। ये है इसका एक फार्मूला, और आप ये आर्मोल का फार्मूला निकाल सकते हैं, उसके अंदर मेरे एक बॉडी मैंने टिप्स की वीडियो दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर से कैसे इसका फार्मूला निकालता हूँ। तो ये फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी किसी की बाइसेप्स हैवी होने के कारण काफ़ी दिक्कत आ जाती है, तो ये 10 इंच की जगह 11 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप बाइसेप से भी फार्मूला निकाल सकते हैं, उसके अंदर मैंने बता रखा है कि हिसाब से आप फार्मूला निकालेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी 49 और 50 की वीडियो। अगर कोई इससे हैवी साइज़ भी अगर है आपका, जैसे मान लीजिए 51-52 साइज़ भी आ जाता है या 53 भी आता है, तो आप इसी हिसाब से हल्का बढ़ा लें, क्योंकि अब इसके आगे वीडियो नहीं आएगी, यहीं तक मैंने वीडियो बना दी, ठीक है। इसके बाद ऊपर हल्का हल्का फ़र्क होता है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस लास्ट साइज़ हमारा 99.9% यही सूट आते हैं, इसी सूट में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप ये सूट इसी हिसाब से बनाएं और ट्राई करें, बहुत बढ़िया बनेगा। इसका मैं एक डेमो भी दूंगा, और अब ये मैंने बताया था आपको 30 से 50 तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप मुझे कमेंट्स करें कि मैं कौन सी कमीज़ पे काट के आपको डेमो दिखाऊं, कि किस हिसाब से मैं आपको तीरा बताता हूं तो काट के दिखाऊं। तो आप मुझे कमेंट्स करें, जिसके कमेंट्स इसमें ज़्यादा होंगे जिस साइज़ के, मैं उस साइज़ के डेमो इसमें दिखाऊंगा कि आप 9 से 10 तक गले में कितना तीरा कम कर सकते हैं, किस हिसाब से क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे आप पहले विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।